पूर्वी बंगाल में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के मद्देनजर 15 रोजा सख्त तरीन लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन का आज छठा दिन है। कोलकाता और इसके एतराफ के अजला में लॉकडाउन का गहरा असर दिखाई दे रहा है। आम लोगों की जिंदगी भी इसे पूरी तरह से मफलूज होकर रह गई है। कोलकाता और रियासत के मुख्तलिफ अजला में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में इजाफे का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रियासती हुकूमत की कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस की रफ्तार पर काबू नहीं पाया जा सका है, जिसकी वजह से रियासती हुकूमत ने ये इंतबाह किया कि अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा और लोग कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करते रहें तो लॉकडाउन में मजीद 15 दिनों का इजाफा किया जा सकता है। दूसरी तरफ रियासत में कोरोना वायरस के सबब मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और अब तक 11.5 लाख लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद तकरीबन 13,500 तक पहुंच गई है। रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल नहायत ही संगीन है और हालात खौफनाक से खौफनाक तर होती जा रही है। इसी सिलसिले में रियासती हुकूमत ने कई गाइडलाइन जारी किए हैं और आने वाले दिनों में भी गाइडलाइन जारी करने का सिलसिला जारी रहेगा। रियासती हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पे किसी तरह काबू पाया जा सके। तसफी वक्त बात यह है, योमिया कोरोना केसेस के तादाद में थोड़ी कमी आई है। जो गुज़िश्ता 6-7 दिनों से 20,000 से ज्यादा योमिया केसेस रिकॉर्ड किए जाते थे, अब वो 20,000 से घटकर 19 और 19,500 के दरमियान तक है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि कोरोना से मरने वालों की तादाद में इजाफे के सिलसिला बदस्तूर जारी है, जो रियासती हुकूमत और महकमा सेहत के लिए तशवीश का बास है। कोलकाता से ईटीवी भारत के लिए शमशेर अली की रिपोर्ट।